एमपी डिग्री कॉलेज में फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट कैसे पता चल रही है, तो आइए आपको पूरा डिटेल में बताते हैं सीएमपी डिग्री कॉलेज के फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, ठीक है, कहाँ पर जाकर आपको अपना फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, ठीक है, एक्सेट्रा, सभी कोर्सेज के बारे में, बीसीए कि हम डिटेल में आपको जानकारी देने वाले हैं। सीएमपी डिग्री कॉलेज में फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट कैसे पता चल रही है, कहाँ से पता चल रही है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, कहाँ पे जाके कराना है, इन सब कोर्सेज का पूरा डिटेल में आपको जानकारी देने वाले हैं। जो स्टूडेंट्स सीएमपी में काउंसलिंग करा चुके होंगे उनको फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट पता चल गई होगी, और जो अभी नहीं कराए हैं उनके लिए वीडियो ब्रह्मास्त्र होने वाली है, आपको और जानकारी अच्छे से पता चल जाएगी, और जो अभी करवाएंगे जिनको डेट पता चल गई है उनके लिए भी वीडियो बहुत शानदार होने वाली है और मजेदार होने वाली है। आपको बता दें फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट है, जब आप सीएमपी डिग्री कॉलेज में अपनी काउंसलिंग कर रहे हैं, काउंसलिंग करने के बाद जब आपने फीस सबमिट कर देते हैं, फीस सबमिट करने के बाद जो आपको फीस रसीद प्राप्त होती है, उस रसीद में आपके फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट दी रहती है, ठीक है, उसमें एक से दो तीन दिन का टाइम दिया रहता है कि इस डेट से इस डेट के बीच में जाकर आप सीएमपी डिग्री कॉलेज में अपना फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, देखिए फिजिकल डॉक्यूमेंट क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे ये मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है ऑलरेडी, ठीक है, टेलीग्राम पे कभी मैंने कुछ देर पहले पोस्ट डाली है टेलीग्राम पे, मैंने उसमें डॉक्यूमेंट सब डिटेल में बताया, लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर बता देता हूँ। जैसे आपका सीयूटी का स्कोर कार्ड हो गया, सीयूटी का एडमिट कार्ड हो गया, 10th 12th की मार्कशीट हो गई, आपकी कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, आपकी टीसी इसी दिन ओरिजिनल जमा होगी, देखिए जितने भी आपने डॉक्यूमेंट काउंसलिंग के टाइम लगाए होंगे वो लगेंगे, और उसकी फोटोकॉपी भी आपको कम से कम फोटोकॉपी 2-3 सेट लेके जाइएगा सभी डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है, और क्या कहते हैं साथ साथ 3-4 फोटो अपनी जरूर अपने साथ नहीं रखिएगा, ठीक है, जो आपको बहुत जरूरी काम पड़ेगा अपने फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, बहुत जरूरी होता है फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सीएमपी डिग्री कॉलेज में जो स्टूडेंट्स अभी प्रवेश लेने वाले हैं या जिनका प्रवेश हो चुका है उनको जाना है फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो वो एक बार टेलीग्राम पे पोस्ट हमारे देख लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है क्या क्या लेके जाना है। अब मैं वही बात कर लेता हूँ बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी और बीसीए के लिए कहाँ जाना है। देखिए बीएलएलबी आपका लॉ कोर्स है, इसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बीएलएलबी की लॉ फैकल्टी में जाना होगा, ठीक है, बीएलएलबी की लॉ फैकल्टी आपका थोड़ा सा अलग पड़ जाती है, और बीए, बीएससी, बीकॉम और बीसीए सीएमपी के मेन कैंपस में होगा, सीएमपी का मेन कैंपस जॉर्ज टाउन में, ठीक है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए का एक ही जगह होगा, वहीं बीएलएलबी का लॉ फैकल्टी में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, तो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए का आपको पता ही है जॉर्ज टाउन आपने देखा होगा, गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा, और बीएलएलबी की लॉ फैकल्टी भी आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी, ठीक है, नहीं तो आपके फीस रसीद में भी उसका लोकेशन दिया होगा कहां पर आपको जाना है, ठीक है, तो ये हो गई लोकेशन की बात, कहां जाना है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए का एक जगह होगा, बीएलएलबी का उसकी लॉ फैकल्टी होगा, क्योंकि लॉ फैकल्टी सीएमपी डिग्री कॉलेज के मेन कैंपस से थोड़ी दूर पे है, ठीक है, अलग जगह है, ठीक है, बीएलएलबी का वहां होगा, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए का एक जगह आपके सीएमपी के मेन कैंपस, सीएमपी की जो मेन कैंपस है आपका जॉर्ज टाउन में वहां होने वाला है। ये सब चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के।